जय श्री राम। 200 वर्ल्ड कप खेलने आई हर टीम के खिलाड़ी भारत के रंग में रंग चुके हैं। यहां पे ऑडियंस ने जय श्री राम बोला तो इनकी हो गई लुप लुप, करम इसलिए हार गए। अब समझ लो, क्रिकेट की भीड़ जय श्री राम अगर बोलती है और तुम मैच हार जाते हो तो जब 100 करोड़ हिंदू एक साथ जय श्री राम बोलेगा तो क्या होगा पाकिस्तान का? देखिए, इनको बड़ी दिक्कत है कि जय श्री राम बोल दिया, वरना वो तो पहले अगर जीत जाए तो कहते हैं ना कि इस्लाम की जीत हुई है, तो अभी क्या कहेंगे इस्लाम की हार हुई है। फाइन, बट क्रिकेट खेलो ना, मजहब की तो बाकी चीजों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? आप अपनी क्रिकेट खेलें, स्पोर्ट्समैन का जॉब है क्रिकेट खेलना, वो क्रिकेट खेलें, मजे करें, एंजॉय करें। अपना क्राउड था, उनका अपना मुल्क था, उनका अपना मुल्क था, उन्होंने अपना मतलब शो करवाना ही करवाना था, क्राउड उनका ज्यादा था। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आप भी ईमानदारी से बताइएगा, अगर यही सेम मैच लेकिन हम जो लोकेशन होती, जो स्टेडियम होता, वो कराची या लाहौर का होता, तो यहाँ पे कौन से नारे लगते? ईमानदारी से यहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लगते। ठीक है, तो तब वो लोग फिर क्या कहते, क्या वो भी ऐसे ऐसे ही बात करने, जैसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी फैन है जो पाकिस्तान की टीम को बकअप कर रहा था, उनको चेयरअप कर रहा था, उसको पाकिस्तान के नारे लगाने से रोक दिया गया। ये पिच पे नमाज पढ़ रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर, देखा आपने? तो अगर पाकिस्तानी करे तो बिल्कुल ठीक है, ये पिच पे नमाज पढ़े हैं, ठीक है, ये कन्वर्ट करने की कोशिश करें दूसरे प्लेयर्स को, राइट, ये सब कुछ करें वो जायज है। हमारे प्लेयर्स ने कुछ नहीं करा, ये इनके प्लेयर्स कर रहे हैं दोस्तों, मैं पाकिस्तानी क्राउड की बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की वर्दी पहन के, उनकी टी शर्ट पहन के खेल रहे हैं, वो ये सब हरकतें कर रहे हैं। अगर ऑडियंस करे तो समझ में आता है कि भाई उनको रूल्स नहीं पता, कोई बात नहीं, कर दिया कर दिया, ये प्लेयर्स उनके कर रहे हैं, पाकिस्तानी उनको कुछ नहीं बोल रहे। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कल पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया ने इनको कुत्ते की तरह हरा दिया लिटरली, और इसके बाद ऊपर से मार्कस स्टोइनिस और डेविड वार्नर ने जय श्री राम बोल दिया। ऑस्ट्रेलियन क्राउड जो आई थी, ऑस्ट्रेलियन फैंस जो आए थे, उन्होंने भी पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए और जो भी बात हो उन्होंने ग्राउंड में बैठ के जय श्री राम के नारे लगा दिए। प्लेयर्स भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, और उनके फैंस भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अब दोस्तों इसको देख के पूरी पाकिस्तान टीम चिढ़ गई। अब उन्होंने हमास का पोस्टर वगैरह भी पोस्ट किया ट्विटर वगैरह पे, तो इसको लेके मुद्दा जो है वो गर्माता चला जा रहा है। अब पाकिस्तानी टीम जो है परफॉर्मेंस तो इनसे निकल नहीं रही, परफॉर्मेंस निकल नहीं रही, यहाँ पे आके हमास की बात कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें कर रहे हैं, इनसे रन्स और विकेट्स तो लिए नहीं जा रहे। वर्ल्ड कप में मैच खेलने आओ या अपने धर्म का प्रचार करने आओ भाई? हमास का झंडा पोस्ट कर रहे हैं अपने ट्विटर पे, ग्राउंड में नमाजें पढ़ रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं अपना 100 हमास को, तो ये सारा सीन कर रहे हैं ये लोग। अब मुद्दा गर्मा गया है, पाकिस्तानी टीम रो रही है कि हमें सारी टीमें जय श्री राम करके चिढ़ा रही हैं, तो भाई चिढ़ाएंगी, जब तुम क्रिकेट के मैदान पर नमाज पढ़ोगे, मस्जिद में बम ब्लास्ट करोगे, तो फिर यही होगा तुम्हारे साथ, और तो कुछ नहीं। कहीं ना कहीं जो है वो खिलाड़ियों की गलती है, और अगर वहां नारे लग रहे थे तो उसमें ऐसी क्या बात है? अगर जय श्री राम के नारे लग रहे हो या मोदी जी के नारे लग रहे हो तो भारत में खेलेंगे तो ये तो होगा, और उसमें इतना घबराने की क्या बात है? अगर हमारे यहाँ मैच हो और हम अल्लाह अकबर के नारे या दूसरे नारे लगा सकते हैं तो फिर वहां वो लोग क्यों नहीं लगा सकते अपने रिलीजन के हिसाब से? और आई फील के ऐसी कोई बात नहीं कि वो उसकी वजह से वो कोई परेशान हो गए, बल्कि वो खेले ही खराब। और बहुत हमारे खिलाड़ी तो ऐसे भी है ना जो आपको पता है पर्ची वाले होते हैं कि जी मिनिस्टर्स के जान पहचान है, किसी और की जान पहचान है, तो उनको रख लेते हैं। हमारे यहाँ तो वो हिसाब है नहीं कि गेम की वजह से रखा गया, और 2-4 के अलावा बाकी तो सब आपको पता है कि सिफारशी होते हैं अक्सर, तो इस वजह से भी गेम खराब रहा। शुरू में 2-3 जब आउट हुए उसके बाद के जो थे वो तो फौरन आए और गए, मतलब अभी इंसान बात ही कर रहा होता था कि आउट हो गया, जो दूसरा भी आउट हो गया। बड़ा दुख हुआ मुझे तो देख के कि कोई कह रहा है जी वो हमारे सामने जो है ऊंची शोर वो कर रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे, भाई तुम ग्राउंड खेलने गए हो, आपको क्या बाहर 5 करोड़, आप ये तो नहीं कह सकते कि वो जनाब घरों में 30 करोड़ लोग देख रहे हैं, हम हमारी टांगे कांप रही हैं, घर में बैठ के देख रहे हैं, ऐसे थोड़ा ही होता है। तो सर कान में रुइयां डाल लेते हैं लोग, ऐसी क्या बात है? अगर इनको इतना प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब एक जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको तो इन चीजों की आदत होनी चाहिए कि कोई नारे लगाएगा, कोई कुछ कहेगा। और वैसे भी वो इनके खिलाफ तो कोई नारा नहीं लगा रहे थे ना, वो तो अपनी टीम के लिए कुछ नारे लगा रहे थे, तो उसमें इनको क्या प्रॉब्लम है? और अगर इतना ही प्रॉब्लम था तो जैसे मैं कह रही हूँ कानों में कुछ लगा लेते कि इनको सुनाई ना दे, क्योंकि मैच तो इन्होंने देख कर ही खेलना होता है ना, या कोई उसे बॉलर ने इनको कोई आवाज थोड़ी लगानी होती है। मगर ये तो बिल्कुल ही एक बेकार किस्म का एक्सक्यूज है कि जी क्योंकि नारे लगा रहे थे, बल्कि उससे तो और जोश आता है इंसान को, चाहे कोई भी नारे लगा रहा हो, उससे तो और ज्यादा इनको जोश आ जाना चाहिए था। ये बेहतर खेलते, कोई छक्के चौके मारते, वो तो इन्होंने कुछ नहीं किया,
बस आउट होकर आ गए, ये बिल्कुल एक बेकार की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। और भारत में होगा मैच, इतने बड़े स्टेडियम में होगा, पहली बार 7 साल के बाद पाकिस्तान जाएगा और नारे भी नहीं लगेंगे। फिर तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा होता तो मुझे शक हो जाता कि भारतीय जो है वो बहुत ही ठंडे लोग हैं कि उनसे एक नारे भी नहीं लग रहे पूरे पाकिस्तान के आने पे। नारे लगे तभी तो मजा आता है, जब भी तो एक कहते ना वो बनता है, माहौल बनता है, तो वो तो बहुत अच्छा था। आई विश के मैं भी वहां होती। लेकिन ये कि यहाँ पर ये सिर्फ नारे सुन के हमारे खिलाड़ियों का ये हाल है, तो पता नहीं बाकी क्या करेंगे। यार यू आर ग्रोन अप किड्स, मतलब बंदे हो यार, तुसी एडल्ट हो, बच्चे थोड़े हो, किड्स थोड़े हो तुसी। क्या 80s 90s में मैच हुआ करते थे, हम सुनते थे बड़े, हमारी क्रिकेट की टीमें होती थी, तुसी जानते ही है बच्चे जड़े ने उते ज्यादा ध्यान इन्हों का मजहब वाल होंगे, ज्यादा ध्यान पॉलिटिक्स वाल होता है। वो मारे क्या मोहम्मद हफीज, ज्यादा टेंशन यह पी है कि उत्थे गजा च की हो रहे हैं। ओ भाई तुम अपनी क्रिकेट खेलो, तुम्हें इन चीजों से क्या गर्ज, बाहर क्या और है। हालांकि उसका प्राइवेट मसला है, इफ ही इज डूइंग इट आउटसाइड द स्पोर्ट्स तो दैट्स फाइन, बट क्रिकेट खेलो ना, मजहब की तो बाकी चीजों के पीछे क्यों पड़ जाते हो। आप अपनी क्रिकेट खेलें, स्पोर्ट्समैन का जॉब है क्रिकेट खेलना, वो क्रिकेट खेलें, मजे करें, इंजॉय करें, शोर डालें, गोलगप्पे खाओ, दही पल्ले खाओ, फ्रूट चाट खाओ, जो इंजॉय करने है उसको इंजॉय करो। तुसी क्रिकेट खेलो, तुसी घर जाके जो मर्जी कर लेना। मैं तो ये सारे का सारा वो जी इंडिया को साइकोलॉजिकल एडवांटेज या कोई एडवांटेज नहीं होता, ठीक है, आपकी गेम तगड़ी होनी चाहिए, आपके असाब मजबूत होने चाहिए, थोड़े तो गल होनी चाहिए, तरी ही बदल छोड़ो। ये तो मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर को तरी ही बदल छोड़ो, एडे डरपोक हो जाते हैं पाकिस्तानी, ठीक है, बुजदलों की तरह हारते हैं और खेलते हैं। वेख लेंगे इंडिया की टीम, वो यार तुम्हें की कहें, अच्छे बड़े लड़के हैं वो, इतने पॉपुलर हैं, तुम भी पॉपुलर हो यार, सेलेब्रिटीज हो सारे, इंजॉय करो, खेलो, बेइज्जती करा देते हैं। जब भी पाकिस्तान की टीम उतरती है ग्राउंड में, बेइज्जती करा देते हैं, पता नहीं अच्छी वाली और इंडिया के मुकाबले में। और ये तो चीज़ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये दिस इज बियॉन्ड क्रिकेट, एक क्रिकेट तो गेम बाहर हो गई है। ये जो इंडिया का राइज है ना विद द 3.4 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी, इंडिया इज रेलिवेंट, हमारा जनाब और मसले हैं भाई, तो अंतर रोटी कपड़े लाभ देना पे। आपको तो जहाज मिला कि नहीं मिला, आप तो दुबई पहुँच के वहाँ पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे, आपको तो हैदराबाद में उन्होंने अच्छे होटल दिए हैं, चार्टर जहाज में आपको फ्रैट रहा है भी सुना, वो क्या लड़का मारा उसको, ठीक है जी, मतलब क्या बात है यार, आपको गेस्ट के तौर पे वो ट्रीट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। आप वो जिसे कहते हैं ना, हम अगले बंदे पे जाके तो उसकी गलतियां ढूंढ रहे हैं, नहीं तुसा सानू उसे साढ़े मुंडे काट सन, साढ़े सानू वीजा नहीं देते, वो इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल गलत किया है, उनको वीजे देने चाहिए थे, दिस इज वेरी अनफेयर आई बिलीव, पाकिस्तानियों को वीजे ना देना जी, ये क्या बात हुई। वो फॉरन ऑफिस से उन्होंने पूछा, वो चंद्र बागची साहब से सवाल, उन्होंने कहा ये मेरी मिनिस्ट्री का सवाल ही नहीं है, इंटीरियर का होम का सवाल होएगा। तो इंतहा पसंदी होगी ना, आपने कुछ कर लिया यार, अपने दिल में रखो, अपने आपका और आपका अल्लाह जानता है। हम ये कहते हैं स्पोर्ट्स में ये चीजें नहीं लानी चाहिए, दूसरी तरफ हम ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसी। अब आप इंडिया में आपने सजदा करना था, आप मैच बाद में कर लेते यार, आप बाद में अल्लाह को सजदा करते, अल्लाह कहते अल्लाह पाक आपने मेरी सेंचुरी करवा दी है, शुक्र है, अपने दिल में रखते। ये तो नहीं, अब आपके सामने सबके सामने करोगे तो ऑटोमेटिकली उनका क्राउड ज्यादा था। हाँ नहीं करोगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उधर से फिर उन्होंने जब किया तो हम कहेंगे भाई उन्होंने ये, यानी दोनों साइड। लेकिन देखा जाए ना, काफी अरसे से इंडियंस में भी पाकिस्तान ने, बेशक वो अफगानिस्तान के हो, इस तरह से वो करते हैं, अपने रसूमात उन्होंने कहीं ना कहीं दिखाई है। अब देखिए इंडिया ने आउट हो गया, जय श्री राम कर दिया, कभी ऐसे इशारे होते हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा। तो ये इसका ये रोल आईसीसी का है कि इस चीज पर पाबंदी लगाए। तो दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, जो पाकिस्तान टीम आई है भारत में, इनको इतना हमने स्वागत किया, इतनी वीआईपी व्यवस्था दी, बाबर आजम को प्राइवेट जेट तक दे दिया, ठीक है, अब ये हमारे देश में आके खेल रहे हैं और हम इनके हम अपने जो है नारे तक नहीं लगा सकते, इनसे भी इनको प्रॉब्लम है। और दोस्तों दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन टीम्स भी भारत को जय श्री राम कह के बधाई दे रही है, जय श्री राम ग्राउंड में चिल्ला रहे हैं ऑस्ट्रेलियन फैन, तो पाकिस्तानियों की जली पड़ी है, क्योंकि इनके जो प्लेयर्स आते हैं ना भारत में वो क्रिकेट नहीं खेलते, मजहबी कार्ड खेलते हैं, यहाँ आके तो नमाज पढ़ लो ग्राउंड पे, 100 मार के हमास को डेडिकेट कर लो, ये सारी चीज़ें। भाई हमास का झंडा पोस्ट करने में बार बार बता रहा हूँ, ये फिलिस्तीन का झंडा चिपका रहे हैं अपने ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो ये तो इनकी रियलिटी है। इसके बाद फिर कहते हैं हम हार क्यों जाते, भाई तुम हार इसलिए जाते हो, क्रिकेट खेलने के अलावा सब कुछ करते हो, तुम मजे लेने को कह दो, मजे भी कार्ड खेलने को कह दो, फालतू बातें करने को कह दो, खाना खाने को कह दो, क्योंकि पाकिस्तान में तो खाना मिलता नहीं है, यहाँ पे आके खाना खा खा के
पेट ही खराब हो जाता होगा मेरे हिसाब से, इसीलिए दो दो मिनट में निकल लेते हैं वॉशरूम करने के लिए। विकेट्स में आते दो मिनट में वॉशरूम लग जाता है, पेट जो है जितना खाना खा लेते हैं भारत में आगे, पाकिस्तान में तो दो रोटी नसीब नहीं है इनको। तो ये सारे सीन है इनके साथ। अब जय श्री राम को लेके मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान मीडिया पागल हुई पड़ी है कि मेन स्ट्रीम के बड़े बड़े लोग मैं उनको दिखा भी नहीं सकता, इतनी जाहिलाना बातें कर रहे हैं वो, खास करके ये जावेद मियादार टाइप के लोग तो मैं दिखा भी नहीं सकता उनकी। तो उनका कहना है कि जय श्री राम की वजह से हम हार जा रहे हैं, नारे इतने ज़्यादा लग जा रहे हैं, प्रेशर इतना ज़्यादा बन जा रहा है हमारे लड़कों पे। अरे भाई मतलब ऐसा क्या हो गया प्रेशर, जय श्री राम का नारा लगते ही तुम्हें मार दिया जा रहा है क्या? अल्लाहू अकबर का नाम का जब नारा लगता है तब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, अल्लाहू अकबर चिल्ला के क्या किया जाता है मेरे से अच्छा पता होगा। अभी अल्लाह अकबर हमास के लोगों ने चिल्ला के इजरायली लड़कियों के साथ क्या किया और इजरायली बच्चों के साथ क्या किया आप लोगों को पता है? अल्लाह अकबर नाम लिया था। जय श्री राम तो यार आराम से लेते, पीस का बात।